बिहार के सुपौल जिले में आज सुबह बड़ा पुल हादसा हो गया। बता दें यहां कोसी नदी पर बन रहे बकौर पुल का बड़ा हिस्सा टूटकर अचानक नीचे गिर गया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। पिछले कुछ समय से बिहार में पुल हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में दो पुल धराशायी का मामला सामने आया था, जिसके बाद लोग सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे। इस बीच एक और पुल का स्लैब भरभराकर ताश के पत्ते की तरह ढहने की खबर आई है। दरअसल सुपौल में शुक्रवार 22 मार्च की सुबह एक पुल का गार्डर गिर गया, इससे एक मजदूर की मौत हो गई, 9 लोग घायल हो गए। कई मजदूरों के दबने की भी सूचना है, हालांकि इसकी संख्या अभी साफ नहीं है। राहत बचाव में आसपास के लोग जुट गए हैं। ये पुल सुपौल के बकोर में बनाया जा रहा है। हादसे के बाद कंपनी के लोग फरार हो गए। बता दें कि सुपौल जिला प्रशासन ने बताया कि हादसा सुबह 7 बजे का है, 9 लोग घायल हुए हैं, एक की मौत हो गई। मृतक को 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, घायलों को भी मदद दी जाएगी। पूरे मामले की जाँच के आदेश दिए गए हैं। राहत बचाव का काम जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बकौर पुल के 3 पिलर 50, 51 और 52 के गार्डर गिरने से ये हादसा हुआ। ये देश का सबसे लंबा निर्माणाधीन सड़क पुल है। इसका निर्माण दो कंपनियां गैमन इंडिया और ट्रांस रेल लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर रही है। ये पुल 10.5 किलोमीटर लंबा है। इसे भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। इसके निर्माण की लागत करीब 1200 करोड़ रुपए है। बता दें कि सुपौल के बकोर और मधुबनी जिले के भेजा के बीच बन रहे इस पुल को 2024 तक पूरा करना है, लेकिन हादसे के बाद निर्माण एजेंसियों पर कई सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज़।